कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर रहे, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज नोएडा के रिव्यू के बारे में। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने चार कॉलेज को रिव्यू किया, गुरु गोरखनाथ, नेमिनाथ आगरा, भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज अमरोहा और सरदार पटेल लखनऊ। इन चारों कॉलेज की रिव्यू की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जरूर देखना, फिर आप एडमिशन लेना। ठीक है, आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये जो नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए कॉलेज रिव्यू देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये बहुत अच्छा कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। ठीक है, कैंपस भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, प्लेग्राउंड कैंपस मतलब दिल को छू जाएगा ऐसा कैंपस है। मैनेजमेंट भी गुड ही है, अच्छा ही है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लासेस आपकी रेगुलर लगती है, 9 से 4 क्लासेस लगती है, डिजिटल क्लासरूम है, टीचिंग फैकल्टी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, गुड टू एवरेज, एवरेज टू गुड कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमी। सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। एनाटॉमी में डाइसेक्शन वगैरह होती है, लगभग डाइसेक्शन होती है, मतलब 60% तक डाइसेक्शन लास्ट 3 बैच के अनुसार अगर बात करें तो 50 से 60% आपकी डाइसेक्शन हो जाती है एक बैच में। डमी बॉडी, बोन सेट वगैरह सारा कुछ है, एनाटॉमी की सारी चीजें हैं। लेक्चरर अच्छे हैं, प्रैक्टिकल्स लगभग प्रैक्टिकल कराते हैं, सारी डाइसेक्शन नहीं होती लेकिन ऑन एवरेज हो जाती है। ठीक है, जैसे न्यूरो डाइसेक्शन वगैरह नहीं होती, नर्व वगैरह, ब्रेन वगैरह का डाइसेक्शन यहाँ पर नहीं हुई है पिछले 4 सालों से। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिजियोलॉजी के लेक्चर्स अच्छे हैं, प्रैक्टिकल सारे होती है, चाहे ब्लड एग्जामिनेशन की बात करें, यूरिन एग्जामिनेशन की बात करें, आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन सारा चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट की ऑक्यूपेंसी है। संहिता का डिपार्टमेंट थोड़ा सा एवरेज कहा जाता है बच्चों के द्वारा, कुछ टीचर्स की समझ आती है, कुछ की नहीं आती है। द्रव्य गुणा में इस कैंपस में ही हर्बल गार्डन है, बहुत अच्छा गार्डन है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रैक्टिकल भी बच्चों को कराया जाता है। आरएसबीके में बीके की पूरी प्रैक्टिकल होती है, आरएस की 2-3 प्रैक्टिकल्स के अलावा पिछले 3-4 बैचों में कुछ नहीं हुआ है। रोग निदान की सब कुछ होती है, लेक्चर्स भी होती है, प्रैक्टिकल्स भी होती है, पैथोलॉजी का सब कुछ है यहाँ पर। काय चिकित्सा के लेक्चरर भी काफी अच्छे हैं, और प्रैक्टिकल जो है क्लिनिकल अच्छे हैं, क्योंकि ओपीडी यहाँ रहती है। पंचकर्मा की गुड है, ओपीडी गुड है, आईपीडी यहाँ पर एवरेज है। पंचकर्मा की मशीनरी जितना है उतना हिसाब से पेशेंट यहाँ पर अभी भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे चीजें ग्रो करेगी। शल्य की बात करें तो लेक्चरर अच्छे हैं, ओपीडी भी अच्छे हैं, लेकिन सर्जरी यहाँ पर नहीं होती है, रेयर बच्चों का ये कहना है। ठीक है, लेकिन होती नहीं है। सालक के ओपीडी कम है यहाँ पर, आईपीडी भी कम है, ना के बराबर है। स्वास्थ्य वृत्त एवरेज है, अगर तंत्रा भी यहाँ पर एवरेज है, प्रैक्टिकल के नाम पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लेक्चर चलती है। ठीक है, हॉस्पिटल बात करें तो ओपीडी की बात करें तो बच्चों का ये कहना है कि सर कुछ बच्चों कहते हैं कि 40 से 50 आती है, कुछ 50 से 60 आती है, कोई कहता है 50 से 60 से 70 आती है, तो बच्चों का यहाँ पर एवरेज व्यू है, तो अपन समझ सकते हैं कि 50 के अराउंड मान सकते हैं। वो आईपीडी को लेकर कहते हैं कि 15 से 20 आ जाती है सर, तो 15 से 20 आप कंसिडर करके चल सकते हो, जितनी मशीनरी इक्विपमेंट सारा कुछ यहाँ पर है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की जो स्पेशलिटी है, यहाँ पर ऑल मशीनरी मिल जाएगा आपको, इक्विपमेंट वगैरह सब मिलेगा, मॉडर्न और आयुर्वेदिक सारा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर। ठीक है, एक्सरे मशीन वगैरह सब कुछ है, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह होती है। फी की बात करें तो यहाँ पर 2,54,000 इस कॉलेज की फीस है, इंस्टीट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस आपका 85,000 है। ठीक है, नॉन एसी की और एसी रूम की वो 1,20,000 रुपए है। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो 320 के अराउंड इस साल कट ऑफ रहने वाली है इस कॉलेज को, ये कॉलेज बहुत अच्छी कॉलेज है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज की रिव्यू। अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो एक बार कॉलेज में विजिट करो और फिर एडमिशन लो, ना विजिट करके भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।